Hello friends, welcome to EzeeKitchen and Happy New Year to all the viewers. आज मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ बैंगन का भरता. बैंगन के भरते का बैंगन का बहुत सारे benefits होते हैं, health benefits और skin benefits होते हैं. उसके अलावा एक और benefit है इसका, जो लोग smoking को quit करना चाहते हैं उसमें ये बहुत ही help करेगा. एक study के according 1993 में ये help कर सकता है उन लोगों को जो लोग smoking quit करना चाहते हैं. और इसका reason ये है कि इसमें निकोटिन काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी को अर्ज नहीं होगा स्मोकिंग का. तो चलिए आज बैंगन का भरता बनाने के लिए जो जो हमें चाहिए देखते हैं क्या चाहिए. बैंगन बनाने के लिए मुझे एक बैंगन लिया है मैंने, ये दो चॉप्ड टमाटोज हैं, अनियंस लिए मैंने दो, ये मिर्ची मैंने काट के रखी है 2 से 3. आप अगर तीखा ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा मिर्ची काट लें. ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, कड़ी पत्ता है और ये फ्रेश धनिया. ऑयल है, कुकिंग ऑयल. यहाँ पे मैंने मसाले भी लिए हैं, हल्दी, गरम मसाला, नमक, धनिया पाउडर, जीरा और मिर्ची हम यूज़ करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ये बैंगन लूँगी मैं, इसे रोस्ट करूँगी मैं. इसके ऊपर थोड़ा सा मैं ऑयल लगा देती हूँ, जो ये बर्नट इसका जो फ्लेवर आता है वो बहुत ही अच्छा आता है भरते में. इसे मैं ऐसे, जब तक ये अच्छे से इसका स्किन पील नहीं होने लगता है तब तक मैं इसे रखूँगी ऐसे गैस पे. आप ध्यान से रखें और बहुत प्रिकॉशन से ये करें. देखिए आप देख सकते हैं इसका ये जो स्किन है वो पील हो रहा है. देखिए स्किन इसका निकाल देंगे ऐसे, थोड़ा ठंडा होने दीजिए तभी निकालिए. इसे पूरा ही ऐसे मैं क्लीन कर दूंगी. देखिए इसे ऐसे इसका स्किन ऐसे निकलता जाएगा. अगर आपको ये बर्नट ऐसा नहीं करना है, बर्नट नहीं करना है इसको गैस पे डायरेक्ट, तो इसको एक और तरीका है बनाने के लिए. आप इसे एक विसल तक बॉईल कर सकते हैं कुकर में और फिर जो इसका स्किन निकल जाएगा फिर नॉर्मल प्रोसीजर जैसे मैं आपको बताऊंगी वैसे आप फॉलो कर सकते हैं. बट यूजुअली कई लोगों को इसका ऐसे बर्न फ्लेवर ही पसंद आता है. इसे ऐसे छोटे छोटे पीसेस में मैं कट कर लूँगी. देखिए एक पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है इसका मसाला प्रिपेयर करने के लिए. इसमें मैं अभी जीरा डालूंगी, 1 चम्मच जीरा. ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे और फिर इसमें ये कड़ी पत्ते मैं डाल दूंगी. अब देखिए मैं इसमें ये अनियंस डालती हूँ जो मैंने काट के रखा था. अच्छे से हमें सॉटे करना है इसको जब तक ये ट्रांसलूसेंट होता है. इसमें मैं ये पेस्ट भी मिला देती हूँ. और ये हरी मिर्ची भी. देखिए कांदा जो है पकना चालू हो गया है. आप और भी सिंपल और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए मेरे वेबसाइट पर भी जा सकते हैं. वेबसाइट है www.easykitchen.com. उस पर आपको काफ़ी सारी और भी रेसिपीज़ मिल जाएंगी. अभी रिसेंटली मैं मुंबई स्पेशल एपिसोड्स लॉन्च किए हैं मैंने. आप ज़रूर जाएं वेबसाइट पे और यूट्यूब चैनल पे भी आप देख सकते हैं वो रेसिपीज़. अगर आपको कोई भी क्वेरी है कुकिंग से रिलेटेड तो आप ईमेल कर सकते हैं EzeeKitchen को, easykitchen@gmail.com. मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ, easykitchen@gmail.com पे आप अपनी क्वेरीज रेज कर सकते हैं और हम आपको रिवर्ट करेंगे. ये देखिए कांदा जो है अच्छे से पक गया है. इसमें मैं 1 चम्मच लाल मिर्ची डाल रही हूँ और हरा ये धनिया का पाउडर 2 चम्मच डाल देती हूँ. गरम मसाला 1 चम्मच डाल देते हैं हम, उसे मिक्स कर देते हैं. और ये टमाटोज के अंदर
अब इसे मैं 5 मिनट के लिए ढक के रखूंगी। चलिए देखते हैं। देखिए मसाला बहुत ही अच्छे से पक गया है। ये देखिए, इसे मैं थोड़ा मैश कर लूँगी इसे टमाटोज को, वो गल गए हैं अच्छे से। अब जो ये बैंगन है ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। ऐसे मैश करते जाएंगे हम। इसमें नमक नहीं डाला है हमने, अभी मैं इसमें नमक डाल देती हूँ 1 चम्मच। यहाँ इसका टेस्ट डालें हम इसे, ऐसे मिक्स करती जाऊंगी मैं और इसे मैश करते जाएँ। थोड़ा सा पानी भी डालूंगी मैं इसमें एकदम। देखिए पाँच मिनट इसे रखती हूँ मैं और फिर वापस से हम इसे मैश करेंगे। देखिए सारे जो मसाले हैं उसका बहुत ही अच्छा खुशबू आ रहा है। इसे मैं मैश करते जाएंगे। चलिए देखते हैं। देखिए इसका जो ऑयल है ऊपर आ गया है अच्छे से, बैंगन भी पक गया है और बहुत यम्मी भी लग रहा है। गैस बंद कर देते हैं और इस बोल में मैं निकाल देती हूँ ये। इसमें थोड़ा सा ये हरा धनिया से डाल देती हूँ। ये अनियंस की रिंग काट के रखी है मैंने, ये भी इस पे से डाल देते हैं। थोड़ा सा और हरा धनिया इसके ऊपर। तो लीजिए बैंगन का भरता एकदम रेडी है खाने के लिए, खिलाने के लिए। इसके बहुत सारे हेल्थ फैक्ट्स हैं, इस वीडियो के एंड में आप वो ज़रूर चेक करें। और जिसे भी स्मोकिंग को क्विट करना है आप उसे ये ज़रूर दें। कोई भी आपके फ्रेंड्स फैमिली में हो उसके साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर करें। आई एम श्योर आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी ये रेसिपी और इजी किचन को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। दिखना चाहिए कि नहीं। हाँ मस्त आ रही है।